सो हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ बिजनेस फॉर यूथ। वेलकम टू आवर चैनल। फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। सो आज हम लेके आए हैं कुछ डिफरेंट ही टॉपिक, जिसमें आपको नॉलेज होगा कि कैसे हम एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग को सिलेक्ट करें। यानी आपको यहाँ ये मिलेगा कि हाउ टू सेलेक्ट द नेटवर्क मार्केटिंग वाइजली। सो चलिए हम शुरू करते हैं। सो देर आर सिक्स की एलिमेंट, यहाँ पे सिक्स की एलिमेंट है जिसके तहत आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि विच वन इज़ द बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग जिसके साथ आप वर्क करना चाहेंगे। तो पहला की एलिमेंट है जहाँ पे भी निकल के आता है, दैट इज स्टेबिलिटी। यानी कंपनी कब से है, कहाँ कहाँ है एंड किन किन देशों में ये बिजनेस कर रहा है। आप देखिए कंपनी कितनी पुरानी है, क्रेडिबिलिटी क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको सर्च करना है बिफोर ज्वाइनिंग एनी नेटवर्क कंपनी। सो वो आप गूगल इज अ मीडियम, वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। चलिए तो ये तो रहा पहला स्टेप कि कैसे सेलेक्ट करना है आपको। सो दूसरा स्टेप हम बात कर रहे हैं कि एक्सेलेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है कि नहीं है। आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ रहे हैं, इट मींस अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप देखेंगे उस बिजनेस के प्रोडक्ट्स क्या हैं, पहला चीज। सो आप देखिए कि आप जिस प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट एक्सेलेंट क्वालिटी के हैं, क्या प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी के हैं, अगर हैं तो उसका सर्विसेज कैसा है, क्या अपने कंज्यूमर को जो भी सर्विसेज है क्या वो इजीली आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी मीडियम है अगर कर सकते हैं, सो दैट इज़ द बेस्ट नेटवर्क कंपनी फॉर यू। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग एंड चेन मार्केटिंग। सो मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ, इन नेटवर्क मार्केटिंग आपके पास प्रोडक्ट होते हैं जिसका आप टर्नओवर करते हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। वहाँ पे लोगों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आप बिना जोड़े भी लोगों को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, दैट इज बिजनेस। एंड चेन सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पे आपको एक स्कीम होती है जहाँ पे आपको 8,000 की स्कीम दी जाती है। आप बिना लोगों के इन्वॉल्वमेंट के वो स्कीम दे ही नहीं सकते, आपको उस लोगों को अपने पॉन्जी स्कीम यानी चेन सिस्टम में लाना होता है, तब आप उनको 7,000 और 8,000 की स्कीम देते हैं। सो दैट इज़ नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज़ अ चेन बिजनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। सो ये तो था सेकेंड पॉइंट। सो चलिए हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कि तीसरा पॉइंट आप क्या देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को सिलेक्ट करने से पहले। ऑफकोर्स अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ रहे हैं तो पैसे कमाने के लिए जुड़ रहे हैं, आप देखिए उसका पे प्लान क्या है। एंड द पे प्लान इज वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ एवरी नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत ही क्रूशियल पार्ट है हर एक नेटवर्क मार्केटिंग का, कि वो आपको सही समय पे पे कर रही है कि नहीं कर रही है। सो आपको जनरली यहाँ चेक करना है दो चीज़ें। पहला चीज़, अगर आप किस कंपनी से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसमें आपका कमीशन कितना आ रहा है, आपकी प्रॉफिट कितनी आ रही है। दूसरी, आप ये चेक कीजिए कि कंपनी पेमेंट आपको कैसे दे रही है। एग्जैक्टली आपको अपने पेमेंट के लिए किसी थर्ड पार्टी से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, या फिर कंपनी आपके एफर्ट के अकॉर्डिंग, आपके टर्नओवर के अकॉर्डिंग डायरेक्टली आपके अकाउंट में पे कर रही है कि नहीं कर रही है। सो दिस इज़ डन फ्रॉम योर पार्ट, आपको इसको चेक करना है। इसके लिए आप उस बिजनेस के हाईली प्रोफेशनल से मिलिए जो ऑलरेडी आपके बिजनेस में लेके आए हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए रिगार्डिंग इनकम प्लान। सो चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर की, कि पॉइंट नंबर फोर क्या है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को सिलेक्ट करने से पहले। तो पॉइंट नंबर फोर आता है इंटीग्रिटी एंड द ऑनेस्टी ऑफ द कंपनी एंड द मैनेजमेंट सिस्टम। जितना हो सके, एज मच एज पॉसिबल, आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए उस कंपनी के ऑफिशियल के साथ, हो सके तो मैनेजर के साथ मिलिए कि कंपनी की इंटीग्रिटी क्या है, हो सके उस कंपनी का आप बैकग्राउंड चेक कीजिए, इंडस्ट्री चेक कीजिए, कितने देशों में रन कर रहा है। गूगल इज़ अ गुड मीडियम, आप किसी भी कंपनी के बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, वेदर कंपनी हैज़ गुड रेपुटेशन और नॉट, कंपनी का गुड रेपुटेशन है या नहीं है। सो नंबर द फिफ्थ पॉइंट इज द मोमेंटम एंड द टाइमिंग ऑफ द कंपनी। सो ये आपको देखना है कंपनी कितनी तेजी से आगे बढ़ गया है, एंड आने वाले 5 साल में ये कंपनी कहाँ तक जाएगी। सो आप देखिए कंपनी अभी कहाँ है, आने वाले 5 साल में कहाँ तक जाएगी, ये कंपेयर करना आपको है। आप ऐसी कंपनी के साथ क्यों जुड़ेंगे जिसकी ग्रोइंग स्पीड ही स्लो हो। एग्जैक्टली सो ये सब आपको चेक करना है कि आप किस कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं। इंडिया में बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ आ चुकी हैं, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ आ चुकी हैं। कोई बोलता है कि आई एम नंबर वन, एवरीवन सेइंग आई एम द नंबर वन। सो पहला चेक कीजिए उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है, कितने देशों में रन कर रही है, कस्टमर सपोर्ट क्या है, प्रोडक्ट्स क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट्स इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी के साथ बिजनेस कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रोडक्ट्स की एथिक्स क्या है, मोमेंटम क्या है, कि अभी कहाँ पे कंपनी है, आने वाले 5 साल में उसके क्या प्लान्स है, ईच एंड एवरीथिंग। सो दिस इज डन बाय योर एंड। सो चलिए हम बात करते हैं सिक्स पॉइंट की,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने कंपनी सेलेक्ट कर ली, प्रोडक्ट्स भी देख ली, कंपनी की क्रेडिबिलिटी भी चेक कर ली, आपने कंपनी की मोमेंटम भी चेक कर ली, कंपनी की पे स्कीम भी चेक कर लिया, पे की कैसे पे कर रही है। तो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, क्या कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, द 6 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सपोर्ट। क्या वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है? क्या आपको बिजनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है आपके प्रोडक्ट्स की सेल्स के लिए कि नहीं? देखिए, सबसे जरूरी बात है, क्या वो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है? बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का प्लान होता है कि मैं 5 साल जॉब करूंगा, जो पैसा बचेगा उससे मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। उनके पास पैसे हैं, उनके पास बिजनेस प्लान है, 90% लोग उस प्लान में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, उसमें से 90% लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? इंपॉर्टेंट बात कि आपने उस बिजनेस को सीखा कहाँ से? आपने किसी से राय लिया, किसी से सीखा कि इस बिजनेस को करने जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है मेंटरशिप। क्या आपको कोई गाइड करने के लिए है? नेटवर्क मार्केटिंग में होता है कि आपको एक मेंटरशिप दिया जाता है, जहाँ पे इस बिजनेस में आप कहीं भी गड़बड़ी करते हैं, सो ही इज़ देयर टू हेल्प यू। वो आपके ऊपर हैं आपको हेल्प करने के लिए, नहीं आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना है, यू विल डेफिनेटली ग्रो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए, क्या कंपनी के पास मेंटरशिप प्रोग्राम है या नहीं है? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप आपको इस वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको आसानी होगी कि किस तरह के नेटवर्क मार्केटिंग को सिलेक्ट करें। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, दिस इज बिजनेस फॉर यू, ओवर एंड आउट।